हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आइडलर एक्सपेरिमेंट्स। एंड आज मैं एक बहुत ही बेसिक टॉपिक के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं जानता हूँ इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो हैं इस तरह के यूट्यूब पे, बट द थिंग इज अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, जो इस चीज़ को प्रॉपर वे से नहीं कैरी आउट करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चेन ट्यूब एंड चेन क्लीनिंग का। तो यूजुअली वो मैकेनिक के पास ले जाते हैं कि भैया चेन ड्राई हो गया है, सो व्हाट शुड वी डू। तो वो लोग क्या करते हैं, वो सिंपल सा वो कैन से पुराने जो मोबिल होते हैं वो स्प्रे कर देते हैं। सो उस पॉइंट के लिए चेन इज़ वेल लुब्रिकेटेड, तो उनको वो साउंड चेन का चलने का साउंड या चेन उनको लगता है कि सेफ है या ल्यूब हो गया है प्रॉपर वे से। सो वो गलत है। सो चलिए इस वीडियो में देखते हैं, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे बारिश का टाइम भी था एंड ये चेन को मैंने अराउंड 2 वीक हो गए मैंने इसको प्रॉपरली क्लीन नहीं किया है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे वो डस्ट पार्टिकल्स लगे हुए हैं। तो हमें लगता है कि चेन अगर खाली अगर ग्रीस टाइप के ब्लैक सूट छोड़ रहा हो तो ऐसा नहीं है कि इट इज़ सेफ। जो इसके बीच में मड पार्टिकल्स लग जाते हैं वो भी आपके चेन के हेल्थ को हार्म करते हैं। सो आपको इस चीज़ को भी रिमूव करना पड़ता है। अभी आप क्या करते हैं, जब आप खाली ग्रीस या तो आप खाली इसके ऊपर डायरेक्टली, अगर मैं अभी चेन ल्यूब या पुराने मोबिल या मैं डायरेक्टली कुछ भी इस पे ऊपर स्प्रे कर दूं, तो ये लुब्रिकेट हो जाएगा, बट देन ये जो पार्टिकल्स हैं ये उसको चेन को हार्म करते ही रहेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चेन में ग्राइंड होते रहेंगे। तो इसलिए इनको भी साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दोस्तों, आपको मैं कोई भी कॉस्टली टाइप के प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो कि आपके इन हाउस आपको कुछ कुछ चीज़ें खरीदने पड़ेंगे एंड कुछ कुछ चीज़ें आपके घर पे ही मौजूद होंगे। सो आइए देखते हैं मैं क्या क्या चीज़ इसमें यूज़ करने वाला हूँ। सो मैं पहले यूज़ करने वाला हूँ, फर्स्ट इज़ दिस चेन ब्रश। जी ये चेन ब्रश बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, आपके हाथ भी थोड़े बहुत चेन से दूर रहते हैं एंड ये प्रॉपर जो इसका 3-way टाइप के ब्रिसल्स हैं तो ये चेन को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये आपको इजीली अमेजोन या तो कोई भी ऑटोमोबाइल स्टोर में आराम से मिल जाएगा। एंड देन कोई भी आप चेन ल्यूब कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। आजकल सभी चेन ल्यूब ब्रांड्स लगभग सेम टाइप के ही देते हैं, बस नाम अलग होते हैं, बेचने के तरीके उनको अलग होते हैं। एंड देन मैं ग्लव्स यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे हाथ काले पड़े एंड फिर मैं दिन भर उसको साफ़ करता रहूँ। प्रॉब्लम क्या होता है ना, वो नेल्स में जब वो ब्लैक सूट चल जाता है तो उसको साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। सो प्लीज़ आप भी ग्लव्स खरीदिए। आपको ये ग्लव्स अगर चाहिए तो आप कहते हो कोई भी मेडिसिन स्टोर से सर्जिकल ग्लव्स खरीद सकते हैं, या तो आप स्कॉच ब्राइट के ग्लव्स आते ही हैं सिंक विंक साफ़ करने के लिए, आप उसको खरीद सकते हैं। एंड देन द बेस्ट पार्ट इज़ आई विल बी यूजिंग किरोसिन। किरोसिन बहुत जन डीजल से साफ़ करते हैं, डीजल से साफ़ करना इज़ नॉट रिकमेंडेड, बट किरोसिन से आपके जो चेन हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे साफ़ होते हैं। हाँ, आप अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो चेन ल्यूब यूज़ करते हैं, आप चेन ल्यूब यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट इट ऑल्सो गिव्स अ वेरी नाइस रिजल्ट, बट हर बार चेन ल्यूब मार के यू नो अमाउंट बहुत ज़्यादा जाता है। आई थिंक एक चेन ल्यूब के कैन को आप 3 से 4 बार ही यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए चेन ल्यूब इज़ चेन क्लीनर इज़ वेरी बेनिफिशियल। आई एम रियली सॉरी मैंने अगर चेन ल्यूब बोला हो इससे पहले, चेन क्लीनर इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो दोस्तों, जो किरोसिन है उसको आप चेन के ऊपर एंड इवन जो पीछे का स्प्रॉकेट है उसके ऊपर भी अच्छे से स्प्रे कर लीजिए एंड धीरे धीरे आप जो व्हील है उसको घुमाते रहिए। आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि आप उसको फर्स्ट गियर में डाल के जो चेन क्लीन करते हैं वैसा ना करें, खुद हाथ से इसको व्हील को घुमाएं एंड चेन क्लीन करने की कोशिश करें बिकॉज दैट इज़ वेरी रिस्की। इवन ये प्रोसेस में भी आपको ध्यान रखना है कि आपके हाथ स्प्रॉकेट के आसपास ना जाएं। देखिए ऑलरेडी किस तरह से ब्लैक ब्लैक जो क्रीस है या जो डस्ट है, इससे पहले जो मैंने ल्यूब किया था उसके साथ जो डस्ट स्टिक कर गया था वो सब देखिए किस तरह से गिर रहा है।
ऐसा नहीं कि एक बार में पूरा चेन साफ हो जाता है। अभी हमको जैसे एक राउंड मैंने इसको स्प्रे कर दिया, सो इट्स ऑलरेडी मैंने वो चेन किरोसिन में ये हो गया, थोड़ा देर छोड़ दें एंड उसके बाद आप वो चेन ब्रश यूज़ करें। अभी कैसा है ना, चेन ब्रश जो है वो आप इस जगह पे दें, आप यहाँ पे स्प्रॉकेट के पास ना लें, आप इसको इस जगह पे दें, तो ये वाले साइड जो है आप इस साइड से चेन को यहाँ पर होल्ड करें एंड फिर से व्हील घुमाएं। तो उससे क्या होता है, और भी जो थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल स्टिक करके हैं ना वो लूज़ हो जाते हैं। एंड इसके बाद हम एक और बार, जिस तरह से हमने पहले किरोसिन स्प्रे किया था ना, हम एक और बार स्प्रे करेंगे। सो अभी दोस्तों हम फिर से, जैसे कि मैंने कहा, हम फिर से किरोसिन स्प्रे करेंगे कि देखिए यहाँ पे किस तरह से चेन ऑलरेडी ब्लैक होके है। सो वो ऑलरेडी जो उसके ग्रीस है, जो उसके डस्ट पार्टिकल है, वो लूज़ हो चुके हैं। सो इस बार जब हम मारेंगे विल गेट अ बेटर क्लीनिंग। ये देखिए, किरोसिन इस पर स्प्रे कर दिया, अभी भी किरोसिन ड्रिप कर रहा है। तो अब इसको हम प्रॉपर क्लीन करेंगे। न्यूज़पेपर है उसको बहुत सारे मल्टीपल फोल्ड्स कर लीजिए, सो दैट आपके हाथ जो है वो चेन में ये ना हो, चेन के कॉन्टैक्ट में ना आए। जब आप ऐसे करते हैं तो ये एक्सेस जो किरोसिन है, ये सब है, उसको ये अब्जॉर्ब कर लेता है। सो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि चेन को मैंने ऑलरेडी क्लीन कर दिया है, अब उसको थोड़ा देर आप टाइम दें थोड़ा ड्राई होने के लिए। जितने भी एक्स्ट्रा उसके ऊपर किरोसिन है या आपके चेन लूप हैं वो थोड़े ड्रिप कर जाएं, जितने भी थोड़े और डर्ट उसमें से निकल सकता है निकल जाए, थोड़ा देर आप उसको ये होने दें। मीनवाइल आपको अगर इस चीज़ के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस हो या कुछ भी हो, आप यहाँ नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हो सकता है आपका कुछ और मेथड हो, एंड या तो फिर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप मुझे डायरेक्टली पिंग कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्टली पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं रिगार्डिंग दिस प्रोसेस। एक और बात, ये चीज़ आपको हर हफ्ते या हर दो हफ्ते में एक बार करना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है, यूजुअली लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो देखते हैं कि उनको जो सर्विस इंटरवल्स मिला हुआ है, जैसे फर्स्ट प्री सर्विसिंग इज़ इन 500 किलोमीटर, उसके बाद लेट्स से 3000 पे है, उसके बाद जो भी सर्विस इंटरवल्स है, उनको लगता है कि वो शोरूम में जो सर्विस इंटरवल्स हैं वो उसी वक्त अपना चेन को क्लीन या ल्यूब करवाएंगे। वो चीज़ सबसे बड़ी गलती है, चेन और चेन की ल्यूब और क्लीनिंग, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन आप किस टेरेन में राइड कर रहे हैं, कैसा कंडीशन में राइड कर रहे हैं, एंड आपका उस वक्त चेन का कंडीशन कैसा है। सो ऐसे नहीं कि नहीं मैं हर हफ्ते करूँगा तो, या मैं हर दो हफ्ते में एक बार करूँगा तो अगर मेरा चेन पूरा ड्राई हो रखा है एंड पूरा गंदा हो रखा है तो मैं उसको क्लीन ही नहीं करूँगा, कि नहीं मैं तो हर दो हफ्ते बाद। इट डिपेंड्स वेन एवर इट नीड्स केयर, जब भी उसको केयर चाहिए, जब भी उसको क्लीनिंग चाहिए, आपको उस वक्त करना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका चेन स्प्रॉकेट किट ज़्यादा टाइम तक लास्ट करे, ल्यूब करना शुरू करे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि यूजुअली हम जो ल्यूब करते हैं हम ओवरऑल चेन पे स्प्रे करके छोड़ देते हैं, बट आपको समझना है कि देखिए ये है चेन लिंक, इसको बोलते हैं चेन लिंक्स, ठीक है, एंड यहाँ पे जो इसके बीच में देर इज़ अ ओरिंग, वो बहुत ही मुश्किल से दिखता है, मैं देखता हूँ इसके बाद अगर फोटो में मैं आपको दिखा सकूँ, ये जो चेन लिंक्स हैं इसके बीच में यहाँ पे यू हैव ओरिंग्स। आपका जो ल्यूब होना चाहिए दैट इज फॉर द ओरिंग, आपको ओरिंग को ही ल्यूब करना है। आपको ऐसे नहीं कि चेन कंप्लीट चेन पे आप ऐसे स्प्रे कर दिए एंड उसको आप ऐसे ही छोड़ दिए। द मेन पर्पस ऑफ अप्लाइंग चेन ल्यूब इज वो ओरिंग प्रॉपरली ल्यूब हो। आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा ब्रांड का यूज करना चाहते हैं, चेन ल्यूब या चेन क्लीनर। सो मैं फिलहाल मोटुल का यूज़ कर रहा हूँ, आप क्योंकि आजकल सारे ब्रांड सेम ही है, इनफैक्ट रॉयल एनफील्ड का भी चेन ल्यूब एंड चेन क्लीनर आता है। सो चेन क्लीनर जो है वो आप अगर राइड पे जा रहे हैं तो अपना इमरजेंसी पर्पज़ के लिए आप कैरी कर सकते हैं, बाकी चेन ल्यूब आप रॉयल एनफील्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके जो ओरिंग है उस तक ल्यूब पहुँचना चाहिए, तो आप धीरे धीरे इसके इसी पार्ट पे आप स्प्रे करें, क्योंकि बहुत लोग हैं वो पूरा इस साइड में स्प्रे करते हैं एंड उनको लगता है कि चेन ल्यूब हो गया है, बट आपका मेन पर्पस है
कि आपको इस साइड में स्प्रे करना है सो दैट वो ओरिंग तक पहुंचे। आपको मेक श्योर कि उसका ओरिंग के अंदर आपका चेन लूप जाए, थोड़ा एक्सेस स्प्रे हो जाएगा, नो इश्यूज। हम फिर से वो पेपर जो हम क्लीन कर रहे थे वाला प्रोसेस दोहराएंगे। अब जो व्हील जो घूम रहा है वो बहुत ज़्यादा फ्रीली घूम रहा है, तो पहले जो मेहनत लग रहा था व्हील को घुमाने में उसके कंपेयर में अभी बहुत ही ज़्यादा फ्री घूम रहा है व्हील। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे एंड शेयर करें, स्प्रेड द वर्ड। अगर आपके और कोई दोस्त है जिनके पास रॉयल एनफील्ड हो या इंटरसेप्टर, इट्स नॉट अबाउट इंटरसेप्टर और रॉयल एनफील्ड, इवन हर टू व्हीलर का चेन इसी तरह ही क्लीन करना बेहतर है। उपाय सबके अलग अलग होते हैं, ये मेरा मेथड था, मैंने भी किसी से ये सीखा है। सो अगर आपको ये अच्छा लगा हो सो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं।